सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने देखा था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था। टिमटिमाते तारों से भरा ये अंतरिक्ष हम रोज देखते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि इसकी संरचना कैसे हुई? इसका अंत कहाँ है? इसे किसने बनाया? ये ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर मानव जाति के पास आज तक नहीं है, सिवाय कुछ सिद्धांतों के। साइंस की नज़र से देखें तो इस यूनिवर्स की संरचना बिग बैंग से हुई, यानी महाविस्फोट। इस थ्योरी के मुताबिक आज से लगभग 12 से 14 अरब वर्ष पूर्व पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु के रूप में था, जिसमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा भरी हुई थी। किसी कारण से इस बिंदु में महाविस्फोट हुआ और इस विस्फोट से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण हुआ। और जैसे जैसे समय बीतता गया और ब्रह्मांड ठंडा होता गया, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल और गैस के बादलों का निर्माण हुआ, जिसे निबोला यानी निहारिका कहते हैं। इस निबोलास से तारों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट में इतनी ऊर्जा थी कि ये ब्रह्मांड आज भी लगातार फैलते जा रहा है। ये तो थी हमारे यूनिवर्स की संरचना की एक छोटी सी व्याख्या। चलिए अब देखते हैं हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है कि अगर दो तारों के बीच की दूरी को मापना हो तो हम प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकाश वर्ष मतलब सूर्य किरण एक साल में जितनी दूरी तय करेगी उसे हम एक प्रकाश वर्ष बोलेंगे। और अगर किलोमीटर में देखा जाए तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9460730472580.8 किलोमीटर।